Welcome to the digital classes of Green Valley Educational Institution. Today's topic is trigonometric functions. इससे पहले जो हमने लेक्चर दिया था उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कुछ बताया था और एंगल्स के बारे में और मेजरमेंट ऑफ द सिस्टम्स ऑफ मेजरिंग द एंगल्स वो है सेक्सागेसिमल सिस्टम, सेंटीसिमल सिस्टम और रेडियन सिस्टम, वो तो हमने बताया था। लेकिन आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में कुछ पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इस तरह है, मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और जहां पर ये काटते हैं उसको ओरिजिन कहते हैं। यहां पर एक पॉइंट है पी एक्स वाई, तो हम परपेंडिक्यूलर डालते हैं यहां से पीएम, यहां से परपेंडिक्यूलर डालते हैं पीएन और हम इसको मिलाते हैं ओपी। तो इसका मतलब है ये x कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट, ये OMX के बराबर होगा और PM जो है ये y के बराबर होगा। मान लो OPR के बराबर है और ये जो एंगल है यहां पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस ये थीटा है, थीटा बनाता है ये एंगल विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। तो इस तरह ये लिखेंगे हम, लेट पी एक्स वाई बी, लेट पी एक्स वाई बी एनी पॉइंट, एनी पॉइंट इन ए प्लेन, इन ए प्लेन फ्रॉम पी, फ्रॉम पी ड्रा पी एम एंड पी एन परपेंडिक्यूलर्स ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो पी से हम परपेंडिक्यूलर डालते हैं, पी एम डालते हैं परपेंडिक्यूलर ऑन एक्स एक्सिस एंड पी एन ऑन वाई एक्सिस। देन फिर क्या होगा, देन ओ एम इज इक्वल टू एक्स एंड पी एम इज इक्वल टू वाई, पी एम इज इक्वल टू वाई, ज्वाइन ओ पी, ज्वाइन ओ पी, लेट ओ पी इज इक्वल टू आर, मेक्स एन एंगल, मेक्स एन एंगल थीटा विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ, विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ ऑफ एक्स एक्सिस। देन व्हाट हैपेंस, यहां पर एक ट्रायंगल बनता है, राइट एंगल ट्रायंगल ओपीएम। तो इस तरह हम लिखेंगे ओपीएम, ओपीएम इज ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल और इस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है, बेस है, परपेंडिक्यूलर है और हाइपोटेन्यूज है। तो ये तीन साइड्स है, तीन साइड्स में आपस में छह रिलेशंस हो सकती है और उन्हीं को हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहते हैं। मिसाल के तौर पर इस तरह हम लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ओपीएम, ओपीएम तो साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिक्यूलर, परपेंडिक्यूलर बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज वाई बाय आर, वाई बाय आर। तो रेशियो ऑफ परपेंडिक्यूलर एंड हाइपोटेन्यूज इज नोन एज साइन थीटा। तो साइन फंक्शन यही है, तो साइन थीटा अगर आपको डिफाइन किया कहा जाएगा तो यही है, इट इज अ रेशियो ऑफ परपेंडिक्यूलर एंड hypotenuse। तो परपेंडिक्यूलर डिवाइडेड बाई hypotenuse दैट इज साइन थीटा। इसी तरह फिर cos थीटा है, cos थीटा दैट इज बेस बाई hypotenuse, बेस बाई hypotenuse दैट इज x बाई r। फिर उसके बाद cos, ये एक्चुअली कोसाइन है, कोसाइन है लेकिन शॉर्ट में हम इसको cos बोलते हैं। फिर इसके बाद है tangent थीटा जिसको हम शॉर्ट में tan कहते हैं, tan थीटा, tan थीटा दैट इज परपेंडिक्यूलर डिवाइडेड बाय बेस विच इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाय एक्स। तो ये है tangent थीटा जिसको हम शॉर्ट में tan कहते हैं। फिर बाकी रिवर्स है, इसके रिवर्स है, ये रिलेशंस है, इसका रिवर्स रिलेशन जो है उसके tan का जो है वो cotangent थीटा।
कोटेन, जिसको हम शॉर्ट में कॉट कहते हैं. तो कॉट थीटा, कॉट थीटा, दिस इज बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, दैट इज एक्स बाय वाई. फिर कोटेजेंट के बाद सीकंट थीटा, जिसको हम शॉर्ट कट में सेक थीटा कहते हैं. एक्चुअली इट इज सीकंट थीटा. तो सेक थीटा वो क्या है? वो है हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस, दैट इज आर बाय एक्स. फिर उसके बाद है कोसेकंट थीटा, कोसेकंट थीटा, जिसको हम शॉर्ट में कोसेक थीटा कहते हैं. कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, दैट इज हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर. हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, दैट इज आर बाय वाई, आर बाय वाई. तो ये छह है. तो तीन साइड्स में आपस में छह रिलेशंस हो सकते हैं, इसीलिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन छह ही है. तो पहला जो है साइन थीटा, साइन कहते हैं रिलेशन परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के दरमियान जो रेशियो है. फिर कोसाइन है, जिसको शॉर्ट में कॉस कहते हैं, ये बेस और हाइपोटेन्यूज के दरमियान जो रेशियो निकलता है, दैट इज. फिर टेंजेंट है, ये परपेंडिकुलर और बेस के दरमियान रेशियो निकलता है, दैट इज टेंजेंट थीटा, जिसको हम शॉर्ट में टैन कहते हैं. फिर कोटेंजेंट थीटा, बेस और परपेंडिकुलर के दरमियान जो रिलेशन रेशियो निकलता है, एक्स बाई वाई. फिर सीकंट थीटा, जिसको शॉर्ट में हम सेक कहते हैं, तो ये हाइपोटेन्यूज और बेस के दरमियान है. फिर उसके बाद कोसेक थीटा, कोसेकंट थीटा इसका एक्चुअल नाम है, तो हम शॉर्ट में इसको कोसेक थीटा कहते हैं, और ये हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर का जो रेशियो निकलता है वही है कोसेकंट थीटा, या जिसको शॉर्ट में हम कोसेक थीटा कहते हैं. और ये है कि साइन थीटा अपोजिट है कोसेक थीटा का, दैट इज 1 बाय कोसेक थीटा. और कोसेक थीटा, कोसेक थीटा अपोजिट है साइन का, 1 बाय साइन थीटा. इसी तरह कॉस थीटा अपोजिट है सेकंट थीटा, 1 बाई सेक थीटा. और सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा. फिर इसके बाद टेन थीटा, ये कॉट का है अपोजिट, 1 बाई कॉट थीटा. और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा. और इसके बाद टेन थीटा जो है ये इसके बराबर भी है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा. और कॉट थीटा जो है ये बराबर है कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा. तो ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. तो छह है, एक साइन है, कोसाइन है, टेंजेंट है, कोटेंजेंट है, सीकंट है और कोसेकंट, जिनको हम शॉर्ट नेम में साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कोसेक, ये शॉर्ट नेम है इनके लिए, तो ये हम इस्तेमाल करते हैं. फिर इसके बाद आइडेंटिटीज है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. हां ये है आइडेंटिटीज, तीन है यहां. पहली है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. दूसरी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 6 स्क्वायर थीटा. तीसरी जो है ये है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा. 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा. ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है. तो हम इस ट्रायंगल पर आते हैं. इन ट्रायंगल ओपीएम, इन राइट ट्रायंगल, राइट एंगुलर ट्रायंगल ओपीएम, हां बोलिए क्या है इसमें? परपेंडिकुलर स्क्वायर, दैट इज वाई स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, दैट इज आर स्क्वायर. इसको आप फर्स्ट रखिए, ये है बाय पाइथागोरस, बाय पाइथागोरस. जो पाइथागोरस थ्योरम है वो आपने की है 10th में,
ज्योमेट्री में की है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि बेस स्क्वायर या परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ये तो आपने प्रूव किया है ज्योमेट्रिकली। तो यही मैंने लिखा, ये वाई जो है ये परपेंडिकुलर है, एक्स जो है ये बेस है और आर जो है ये हाइपोटेन्यूज है। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ये है। तो पहले में हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग फर्स्ट बोथ साइड्स, डिवाइडिंग फर्स्ट बोथ साइड्स बाय आर स्क्वायर, इसको आर स्क्वायर से डिवाइड कर लो दोनों साइड से, तो हमें क्या मिलेगा इस तरह, वाई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। यहां आर स्क्वायर कैंसल, वन निकलेगा, तो इसको हम होल स्क्वायर लिखेंगे इस तरह, y by r होल स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं x by r होल स्क्वायर इज इक्वल, अब यहां पर क्या निकलेगा, यहां पर 1 निकलेगा। अब आप देखिए ये y by r किसके बराबर है, y by r जो है ये यहां पर y by r sin थीटा के बराबर है और इसका स्क्वायर है, तो इसके बदले लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक्स बाय आर कॉस थीटा के बराबर है, तो इसके बदले हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। तो ये एक आइडेंटिटी निकली और इसमें से और दो आइडेंटिटीज निकलती है। अगर हमें साइन स्क्वायर थीटा की जरूरत पड़ी किसी वक्त साइन स्क्वायर थीटा, तो हम इसको यहां लेते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्वेश्चनों में इसका भी इस्तेमाल कभी होता है, वहां पर होता है वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, हम उस वहां पर लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा। या अगर कॉस स्क्वायर थीटा हो, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर को ही यहां लाएंगे वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये है आइडेंटिटी, आइडेंटिटी एक्चुअली ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। इसी में से दो निकलते हैं, किसी वक्त हमें क्वेश्चन में ये इसका इस्तेमाल करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू नीड अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। कभी होगा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो हम उसको साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं, कभी होगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो हम उसको क्वेश्चन में कॉस स्क्वायर थीटा लिखते हैं। तो ये तो एक आइडेंटिटी है। अब दूसरी आइडेंटिटी, तो ये फर्स्ट है, पहले हमने इसको आर स्क्वायर से डिवाइड किया, अब हम इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। डिवाइडिंग फर्स्ट बोथ साइड्स, डिवाइडिंग फर्स्ट बोथ साइड्स बाय एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। यहां पर कैंसिलेशन होगी, एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, तो इसको हम इस तरह लिखेंगे वाई बाई एक्स होल स्क्वायर प्लस यहां पर वन निकलेगा इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं आर बाई एक्स होल स्क्वायर, आर का भी स्क्वायर है और एक्स का भी स्क्वायर है, दोनों को एक ही स्क्वायर में लिखेंगे। तो पहले हम वन को लिख सकते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम इसके बदले वन को पहले लिखेंगे, वन प्लस फिर क्या है वाई बाई एक्स होल स्क्वायर, जरा देखिए वाई बाई एक्स किसके बराबर है, वाई बाई एक्स टेन थीटा के बराबर है, तो हम इसके बदले लिखें टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आर बाई एक्स। आप देखिए आर बाई एक्स किसके बराबर है, आर बाई एक्स sec थीटा के बराबर है, यहां पर इसका स्क्वायर है तो sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा, तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो ये दूसरी आइडेंटिटी है। यहां से भी एक और निकलती है, अगर हमें कभी टेन स्क्वायर थीटा की जरूरत पड़ी, टेन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस वन, इस वन को यहां पर हम ट्रांसफर करेंगे, कभी ये होता है क्वेश्चनों में हम इसको डायरेक्टली ये लिखते हैं टेन स्क्वायर थीटा अकॉर्डिंग टू नीड अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। या कभी इस तरह है वन इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, कभी क्वेश्चन के डिनोमिनेटर में ये होता है कि सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, हम उसको सीधे वन लिखते हैं और क्वेश्चन बहुत आसान बन जाता है इसे। तो ये है दूसरी आइडेंटिटी। इसके बाद अब तीसरी आइडेंटिटी है,
तो तीसरी आइडेंटिटी दैट इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा. पहले हमने पहली आइडेंटिटी में हमने इसको आर स्क्वायर से डिवाइड किया, दूसरी आइडेंटिटी में हमने इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, अब क्या रह गया वाई रह गया, तो तीसरी में हम इसको वाई स्क्वायर से डिवाइड करेंगे. डिवाइडिंग फर्स्ट बोथ साइड्स, डिवाइडिंग फर्स्ट बोथ साइड्स बाय वाई स्क्वायर, तो हमें इस तरह मिलेगा y स्क्वायर बाय y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बाय y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर बाय y स्क्वायर. यहां पर ये y स्क्वायर कैंसिल, तो 1 मिलेगा 1 प्लस x स्क्वायर बाय y, इसको एक ही स्क्वायर में लिखेंगे x बाय y होल स्क्वायर इज इक्वल, इसको लिख सकते हैं r बाय y होल स्क्वायर. ठीक है, तो आप देखिए x by y किसके बराबर है, x by y cot, तो इस तरह लिखेंगे 1 प्लस x by y, ये cot थीटा के बराबर है, तो ऊपर स्क्वायर है, तो cot square theta is equal to r by y किसके बराबर है, cosec square theta, this is cosec theta और इसका स्क्वायर है cosec square theta. या इसमें से भी दो निकलते हैं, एक है ये cot square theta is equal to cosec square theta minus 1, या 1 is equal to cosec square theta minus cot square theta, तो ये भी 1 के बराबर निकलती है. तो ये 3 आइडेंटिटी है, और इस हर एक में से दो दो आइडेंटिटी और निकलती है, तो 3, 3 और 3, ये टोटल में 9 आइडेंटिटी है जो कि आपको क्वेश्चन में काम आएगी. तो दूसरी बात, जो ये x एक्सिस है और y एक्सिस है इस तरह है, ये एक प्लेन को 4 बराबर हिस्सों में तकसीम करती है और जिनका नाम है क्वाड्रेंट्स. ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट. 4 बराबर हिस्सों में ये प्लेन को डिवाइड करती है और उनका नाम है क्वाड्रेंट्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है इसमें साइन और उसका अपोजिट पॉजिटिव है, यानी इस तरह साइन एक्स एंड कोसेक एक्स, कोसेक एक्स आर पॉजिटिव, इसमें ये दो पॉजिटिव है, बाकी सारी नहीं, सॉरी इसमें सारी पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव है, सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट इसमें ऑल टी रेशियोज आर पॉजिटिव, ऑल टी रेशियोज आर पॉजिटिव, इसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव है, चाहे साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कॉट हो, जो भी हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी आएगा वो पॉजिटिव है. अब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एक्स और कोसेक एक्स, साइन एक्स एंड कोसेक एक्स आर पॉजिटिव, बाकी जो है ये नेगेटिव है, यानी अगर कॉस आएगा इसमें वो नेगेटिव है, टेन नेगेटिव है, कॉट नेगेटिव है, सेक नेगेटिव है, लेकिन कोसेक जो है ये पॉजिटिव है. फिर थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन एक्स पॉजिटिव है और उसका अपोजिट कॉट ये पॉजिटिव है, टेन एक्स एंड कॉट एक्स आर पॉजिटिव, बाकी जो है ये नेगेटिव है. अगर साइन आएगा इसमें वो नेगेटिव है, कॉस आएगा नेगेटिव है, सेक आएगा या कोसेक आएगा वो सारे नेगेटिव है, सिर्फ टेन और कॉट इसमें पॉजिटिव है. और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है, कॉस एक्स एंड इसका अपोजिट सेक एक्स आर पॉजिटिव, ये दो पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है. तो हम इसको याद रखने के लिए एक छोटी सी लाइन लिखते हैं और उसमें पहला पहला लेटर हम लेते हैं, इस तरह है एड शुगर टू कॉफी, इसको याद रखने के लिए
ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है ए, ए मीन्स ऑल पॉजिटिव, ए मीन्स ऑल पॉजिटिव. फिर दूसरे क्वाड्रेंट में एस, एस मीन्स साइन एक्स एंड इट इज अपोजिट, दैट इज कोसेक एक्स. फिर टेन, टी थर्ड क्वाड्रेंट में टेन है, टेन एक्स, और इसका अपोजिट कॉट एक्स पॉजिटिव है. फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में सी आता है, दैट इज कॉस एक्स एंड इट इज अपोजिट, दैट इज सेक एक्स. तो ये आप याद रख सकते हैं. अगर आपको को याद नहीं रहा कि किस क्वाड्रेंट में क्या है, तो आप ये छोटी सी लाइन एड शुगर टू कॉफी, ये आप याद रख सकते हैं. इनका पहला पहला लेटर आप लेंगे तो उसी से आपको पता चलेगा. दूसरी बात, 90s में साइन जो है ये कॉस में तब्दील हो, या पहले माइनस की बात करेंगे तो इस तरह है, साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा. इसी तरह कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा. कॉस में माइनस एब्जॉर्ब होता है, साइन में माइनस एब्जॉर्ब नहीं होता है, वो बाहर आता है. इसी तरह टेन ऑफ माइनस थीटा, माइनस थीटा दैट इज माइनस टेन थीटा. फिर कॉट ऑफ माइनस थीटा, कॉट ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा. फिर सीकंट ऑफ माइनस थीटा दैट इज सेक थीटा. और कोसेक ऑफ माइनस थीटा, कोसेक ऑफ माइनस थीटा दैट इज माइनस कोसेक थीटा. ये माइनस की बात है. फिर 90 माइनस की, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, साइन ऑफ 90 माइनस, जैसे कि 90 माइनस थीटा ये सारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव है, ये सारे पॉजिटिव है, लेकिन ये चेंज होते हैं, साइन जो है 90 माइनस से ये कॉस में तब्दील होता है. सो दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा. कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा दिस इज इक्वल टू साइन थीटा. उसी तरह टेन ऑफ 90 माइनस थीटा जो है दिस इज इक्वल टू कॉट थीटा. और कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा जो है ये है टेन थीटा. फिर इसी तरह सेकंट ऑफ 90 माइनस थीटा है दिस इज इक्वल टू कोसेक थीटा. और कोसेक ऑफ 90 माइनस थीटा जो है दिस इज इक्वल टू सेक थीटा. क्योंकि 90 माइनस थीटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, 90 यहां से यहां तक है, फिर माइनस थीटा यानी ये इसी में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव है, लेकिन 90 पर ये चेंज होता है, साइन कॉस में तब्दील होता है, कॉस साइन में. इसी तरह टेन कॉट में और कॉट टेन में, सेक कोसेक में और कोसेक कोसेक सेक में तब्दील होता है. इसके बाद अगर हम 90 प्लस देखेंगे तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है, चेंज तो यही होगी, साइन कॉस में होगा, कॉस साइन में होगा, लेकिन साइन अपनी अपनी होगी, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव है और उसका अपोजिट दैट इज कोसेक पॉजिटिव है, बाकी सारी नेगेटिव है. तो 90 प्लस थीटा इस तरह हम लिख सकते हैं, इस तरह साइन ऑफ 90 प्लस थीटा दैट इज कॉस थीटा. कॉस थीटा, कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा, क्योंकि कॉस नेगेटिव है इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में, दैट इज माइनस साइन थीटा. इसी तरह टेन ऑफ 90 माइनस प्लस थीटा है दैट इज माइनस कॉट थीटा. कॉट ऑफ 90 प्लस थीटा है दैट इज माइनस टेन थीटा. इसी तरह सेक ऑफ 90 प्लस थीटा है दैट इज माइनस कोसेक थीटा, माइनस कोसेक थीटा. इसी तरह कोसेक ऑफ 90 प्लस थीटा है, कोसेक ऑफ 90 प्लस थीटा जो है ये आएगा सेक थीटा. क्योंकि कोसेक जो है 90 प्लस थीटा, 90 यहां से यहां तक है, फिर प्लस थीटा, ये आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में. तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक जो है ये पॉजिटिव है, हमें इसकी साइन देखनी है पहले, वही लिखनी है, फिर 90 में ये इसमें तब्दील होता है, सेक में तब्दील होता है. तो ये है 90. 180 में चेंज नहीं होगा, सिर्फ साइन होगी कि किस क्वाड्रेंट में ये आता है, वही साइन होगी, वो चेंज नहीं होता है. तो इस तरह मैं 180 माइनस थीटा का मैं लिखूंगा आपको यहां. तो साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा,
180 माइनस थीटा ये भी यही 180 यहां तक है और माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, ये साइन थीटा के बराबर है, साइन थीटा। इसी तरह कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा ये माइनस कॉस थीटा के बराबर है। इसी तरह टेन ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा दैट इज माइनस टेन थीटा। कॉट ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा दैट इज माइनस कॉट थीटा। सीकंट ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस सीकंट थीटा। तो कोसेक ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा दैट इज कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। तो ये आप याद रखेंगे, 90 पर साइन कॉस में तब्दील होता है, कॉस साइन में तब्दील होता है, चाहे 90 माइनस थीटा हो या 90 प्लस थीटा हो, और 180 पर साइन साइन ही रहता है, कॉस कॉस ही रहता है 180। अब आप देखेंगे और किस पर होता है ये, एक तो 90 पर, 90 मीन्स पाई बाई टू दैट इज 90 डिग्री पर ये होता है, ये चेंज होता है, और 270 पर दैट इज 3 पाई बाई टू। इन दो पर साइन कॉस में तब्दील होगा, कॉस साइन में तब्दील होगा, टेन कॉट में होगा और कॉट टेन में, सेक कोसेक में और कोसेक सेक में तब्दील होगा। फिर अगर 180 आया, 180 डिग्री या 360 डिग्री, 180 मीन्स पाई, 360 मीन्स 2 पाई, पाई और 2 पाई में क्या होता है, साइन साइन ही रहता है, कॉस कॉस ही रहता है, टेन टेन ही रहेगा, कॉट कॉट ही रहेगा, ठीक है, और सेक सेक ही रहेगा, कोसेक कोसेक ही रहेगा। लेकिन जिस क्वाड्रेंट में ये आएगा उसी के हिसाब से इसकी साइन लिखनी है, ठीक है। तो उस हिसाब से किस क्वाड्रेंट में ये आता है, तो आपने आपको पता है, आप इस फॉर्म से एड शुगर टू कॉफी इसे आप याद कर सकते हैं, किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है, ये तो आप कर सकते हैं। अब क्वेश्चन है इस पर, थोड़ा सा एक दो क्वेश्चंस हम करेंगे इस पर, इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर और क्वाड्रेंट्स पर। इस तरह है क्वेश्चन है, इफ कॉस एक्स, इस तरह है क्वेश्चन, इफ कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू, इफ कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू, एक्स इन थर्ड क्वाड्रेंट, एक्स इन थर्ड क्वाड्रेंट, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इसने सिर्फ कॉस दिया है, एक ही रेशियो कॉस दिया है, कॉस का वैल्यू है माइनस वन बाई टू, और यह भी लिखा है कि एक्स जो है, जो इसका एंगल है, यह थर्ड क्वाड्रेंट में है। देखो यह बहुत काम आएगा लेकिन बाद में, तो एक्स जो है इसका ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। अब हमें क्या करना है, हमें जो बाकी रेशियोज है, क्योंकि छह रेशियोज है, एक ही दिया है इसने, तो बाकी पांच रह गए हैं, तो हमें पांच बताने हैं, पांच हमें निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, इन्हीं आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करेंगे जो हमने अभी की, अभी जो हमने सॉल्व की, इन्हीं आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह है, वी नो दैट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन। अभी हमने ये आइडेंटिटी की, हमने प्रूव की अभी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन। तो साइन स्क्वायर एक्स हमें पता नहीं है, ये हमें पता नहीं है, प्लस कॉस एक्स का वैल्यू माइनस वन बाई टू गिवन है, ये दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे माइनस वन बाई टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन। दिस इज साइन स्क्वायर एक्स, तो स्क्वायर से ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1 बाई 4 इज इक्वल टू 1। दिस इज साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई 4। 1 बाई 4 को हम यहां ट्रांसफर करेंगे तो ये नेगेटिव बन जाएगा। तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, इसका एलसीएम 4 निकलेगा, दैट इज 4 माइनस 1। तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3 बाई 4। तो साइन एक्स किसके बराबर होगा, साइन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 3/4। ये स्क्वायर रूट फंक्शन है, ये मल्टीपल वैल्यूड होती है, प्लस भी हो सकती है और माइनस भी, इसलिए हम दोनों साइन यहां पर लगाते हैं। तो साइन एक्स इज इक्वल टू,
साइन एक्स इज इक्वल इस तरह लिखेंगे प्लस माइनस, क्योंकि थ्री जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इसलिए इसमें रूट ही आएगा, रूट थ्री डिवाइडेड बाई फोर जो है ये टू का है परफेक्ट स्क्वायर इसलिए रूट थ्री बाई टू। अब यहां पर दो साइने हैं, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, हम कौन सी साइन लेंगे, हम पॉजिटिव साइन लेंगे या नेगेटिव साइन लेंगे, इससे हमें ये हमें गाइड करता है। एक्स इन थर्ड क्वाड्रेंट, एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या है, साइन नेगेटिव है तो इसलिए हम माइनस साइन यहां पर लिखेंगे। तो इस तरह ये लिखना है एज एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट वेर साइन एक्स इज नेगेटिव, साइन एक्स इज नेगेटिव देयरफॉर साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री बाई टू, माइनस रूट थ्री बाई टू। तो निकाला हमने साइन एक्स का वैल्यू, हमने निकाला एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हमें निकला, अब हम सब उनको निकाल सकते हैं इस तरह। फिर इसके बाद टेन है, टेन ऑफ एक्स, टेन ऑफ एक्स जैसे कि आप जानते हैं दिस इज इक्वल टू साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स, साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स। तो साइन एक्स अभी हमने निकाला, दिस इज माइनस रूट थ्री बाई टू डिवाइडेड बाई कॉस एक्स गिवन है माइनस वन बाई टू, माइनस वन बाई टू, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल इस तरह रूट थ्री बाई टू इंटू इसका रेसिप्रोकल आएगा टू बाई वन, ये और ये कैंसिल तो रूट थ्री। तो निकला हमें टेन, टेन निकला हमें रूट थ्री के बराबर। अब कॉट भी निकलेगा, कॉट ऑफ एक्स, कॉट ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन बाई टेन ऑफ एक्स, क्योंकि कॉट टेन का इनवर्स है, कॉट टेन का रिवर्स है, तो इस तरह टेन हमें निकला रूट थ्री तो ये वन बाई रूट थ्री निकलेगा। ठीक है, फिर है सेक भी निकलेगा, सेक एक्स इज इक्वल टू वन बाई कॉस एक्स, ठीक है, वन बाई कॉस एक्स दैट इज वन डिवाइडेड बाई कॉस एक्स गिवन है माइनस वन बाई टू, तो इस तरह आएगा वन इंटू माइनस टू बाई वन दैट इज माइनस टू। इसी तरह फिर कोसेक एक्स, कोसेक एक्स दिस इज इक्वल टू वन बाई साइन एक्स, कोसेक एक्स इज इक्वल टू वन बाई साइन एक्स, वन डिवाइडेड बाई तो साइन एक्स हमने निकाला है माइनस रूट थ्री बाई टू दैट इज माइनस रूट थ्री बाई टू, दिस इज इक्वल टू वन इंटू माइनस टू बाई रूट थ्री दैट इज माइनस टू बाई रूट थ्री। तो इस तरह से हमने बहुत से बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो निकाले। अब इसी के मुताबिक आपको चलना है, दूसरा क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा क्योंकि उसमें ये आइडेंटिटी इस्तेमाल नहीं होती है, डिफरेंट क्वेश्चनों में डिफरेंट आइडेंटिटीज इस्तेमाल होंगी, दैट इज अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जो वहां पर नीड होगी, जो वहां पर सिचुएशन होगी वो आपको अप्लाई करनी है। तो दूसरा क्वेश्चन हम करेंगे इस तरह, तो वो क्वेश्चन ये है इफ टेन एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव बाई ट्वेल्व, टेन एक्स टेंजेंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव बाई ट्वेल्व, एक्स इन सेकंड क्वाड्रेंट, एक्स इन सेकंड क्वाड्रेंट, एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में है फाइंड अदर टी रेशियोज। तो हमें क्या है, टेन एक्स एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है दैट इज टेन एक्स, और बाकी पांच हमें निकालने हैं, और ये भी कहा गया है एक्स जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो यहां भी हम आइडेंटिटी इस्तेमाल करेंगे लेकिन वो वाली आइडेंटिटी नहीं जो हमने इससे पहले अभी की, क्योंकि यहां पर टेन है वहां पर कॉस था इसलिए हमने पहली आइडेंटिटी इस्तेमाल की साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन। यहां पर हम दूसरी आइडेंटिटी इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये टेन दिया हुआ है, इस तरह है वी नो दैट, वी नो दैट वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सिक्स स्क्वायर एक्स, और सिक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन प्लस टेन एक्स, इसके पहले लिखेंगे माइनस फाइव बाई ट्वेल्व, फिर स्क्वायर है होल स्क्वायर, दिस इज सिक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन प्लस ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाई वन हंड्रेड फोर्टी फोर, फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव है और ट्वेल्व का स्क्वायर 144 है, तो इस तरह आएगा सिक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 144 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 144, ये ऐड होगा इसका एलसीएम 144 निकलेगा, तो सिक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 169
डिवाइडेड बाई 144. तो sec x किसके बराबर निकलेगा? sec x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 169 डिवाइडेड बाई 144. ठीक है, तो sec x इज इक्वल टू प्लस माइनस, sec x इज इक्वल टू प्लस माइनस 169, ये 13 का परफेक्ट स्क्वायर है, और 144 ये 12 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो हमें निकलेगा 13/12. तो यहां पर दो साइने हैं, प्लस भी है और माइनस भी है, तो हम क्या लेंगे, ये हमें ये गाइड करता है x इन सेकंड क्वाड्रेंट. देखो x सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में जो sec है ये नेगेटिव है, तो इस तरह हम लिखेंगे as x lies in सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट where sec x is negative, therefore sec x is equal to minus 13/12. sec x is equal to minus 13/12. तो ये हमें किसका वैल्यू निकला? sec x का. अब हम बाकियों का भी निकालेंगे. cos x का निकालेंगे पहले. cos x that is 1/sec x. cos sec का अपोजिट है 1/sec x, that is 1 divided by minus 13/12, that is 1 into minus 12/13. तो इस तरह हमें निकलता है minus 12/13. minus 12/13 ये हमें क्या निकलता है? ये हमें cos x निकलता है. अब हमें sin निकालना है, तो इस तरह हम लिख सकते हैं tan x is equal to minus 5/12. tan x के बजाय हम लिख सकते हैं sin x by cos x is equal to minus 5/12, क्योंकि tan इसी के बराबर है. तो cos x को हमने अभी निकाला है, उसका वैल्यू देंगे, दिस इज sin x डिवाइडेड बाय माइनस 12/13 इज इक्वल टू माइनस 5/12. इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहां मल्टीप्लाई होगा, तो इस तरह sin x इज इक्वल टू माइनस 5/12 इंटू माइनस 12/13. माइनस माइनस कैंसल, 12 और 12 कैंसल, तो हमें निकलेगा 5/13. ये हमें क्या निकला? ये साइन एक्स. अब साइन एक्स भी निकला, कॉस एक्स भी निकला, टेन एक्स गिवन है, तो तीन हमें है. अब इसके बाद कॉट निकालेंगे. कॉट एक्स, कॉट एक्स टेन का अपोजिट है 1/tan x, that is 1 divided by minus 5/12, that is 1 into minus 12/5, that is minus 12/5. ये हमें cot निकलता है. फिर इसके बाद sec, वो भी निकला, sec हमने पहले ही निकाला. फिर इसके बाद cosec of x is equal to 1/sin x, cosec of x is equal to 1/sin x, तो 1/sin, साइन क्या है? साइन हमने अभी निकाला है, साइन एक्स 5/13 के बराबर है. 5/13 दैट इज 1 इंटू 13/5 विच इज इक्वल टू 13/5. तो हमने सारे ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो बाकी थे वो हमने निकाले. हमें गिवन था सिर्फ टेन एक्स का, और ये लिखा था कि x इन सेकंड क्वाड्रेंट, x सेकंड क्वाड्रेंट में है. तो हमने आइडेंटिटीज जो हमने की, आइडेंटिटीज के जरिए बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकाला. तो हर एक क्वेश्चन में एक ही आइडेंटिटी नहीं लगती है. जिस तरह आपने अभी देखा, पहला जो क्वेश्चन था उसमें हमें पहली आइडेंटिटी लगी, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. और दूसरी इस क्वेश्चन में हमें वो आइडेंटिटी अप्लाई नहीं हुई, बल्कि हमें दूसरी आइडेंटिटी अप्लाई हुई, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा. तो आज इतना ही, इसके बाद जो होगा वो नेक्स्ट लेक्चर में हम देंगे आपको स्टडी करेंगे. तो आज इतना ही, अल्लाह हाफिज़.